हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर अनिकेत और यह है अपनी रॉयल एनफील्ड मेटियर 350, माई ड्रीम बाइक, समवन हु स्टोल माई हार्ट रिसेंटली। और अभी अभी मैं रायपुर से एक लॉन्ग राइड करके आया हूँ अपने IAS मेंस एग्ज़ाम्स के लिए। रायपुर सेंटर था मेरा, तो मैं बाइक से ही गया था रायपुर को। टोटल अराउंड 430 किलोमीटर्स जाना, 430 किलोमीटर्स आना, और वहाँ पे कुछ मेरा अराउंड 100 किलोमीटर्स का रायपुर में 15 दिन में घूमना हुआ, तो टोटल अराउंड 1000 किलोमीटर्स का लॉन्ग राइड एक्सपीरियंस अभी हुआ है। तो वही मेरा लॉन्ग राइड एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो टूरिंग सीट का है, काफ़ी कंफर्टेबल है, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद पूरा जितना 450-450 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो विदाउट एनी टायर्डनेस कर पाऊँगा, बट वो अपना ह्यूमन कैपेसिटी होता है कुछ ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे अपन कि 400 किलोमीटर में एक साथ चला लूँगा, बट दैट इज़ नॉट अ फॉल्ट ऑफ बाइक का सीट। ये काफ़ी कंफर्टेबल है, 150 किलोमीटर तक कुछ लगता नहीं है, पर उसके बाद जैसे 200, 250 के आगे बम्प पे पेन होना थोड़ा शुरू हो जाता है और शोल्डर्स पे भी, है ना। तो वो एक मेरा मिसकंसेप्शन क्लियर हुआ। आपको टाइम टू टाइम ब्रेक लेना चाहिए, अराउंड 100 किलोमीटर्स पे एक ब्रेक, 5 मिनट्स का वॉक, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, तो आप दिन में 300-400 किलोमीटर्स ईजीली कवर कर सकते हैं। तो ये एक प्रो टिप या फिर मेरा लॉन्ग राइड का लर्निंग है और ये मेटियर के साथ मेरा एक्सपीरियंस है। हाय गाइस, और मैं अपने रॉयल एनफील्ड मेटियर 350 के ट्रिपर नेविगेशन के फीचर के बारे में बताना चाहूँगा। मैं अभी रायपुर जा रहा था, तो इट वाज फर्स्ट टाइम जब मैं जा रहा था, तो आई वाज समवॉट वरीड कि मैं अपने लोकेशन पे सही से जा पाऊँगा या नहीं, मतलब कैसे पूछूंगा क्या नहीं, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो गई या फिर ऐसे मुझे थोड़ा लग रहा था। तो मुझे भिलाई से जैसे मैंने रायपुर में एंटर किया, अराउंड 22 किलोमीटर्स मुझे जाना था, जहाँ पे लोकेशन था मेकार हॉस्पिटल, वहाँ पे मेरा फ्रेंड MD कर रहा है अभी, सेकेंड ईयर चल रहा है उसका, डॉक्टर शहबाज, उससे डायरेक्ट मिलना था हॉस्पिटल जाकर, फिर वहाँ से हम फ्लैट पे जाने वाले थे। तो मैंने अपना रॉयल एनफील्ड ऐप में लोकेशन डाला मिकारा हॉस्पिटल, और दिखा रहा था कि सीधा मेन रोड 20 किलोमीटर्स तक, और वहाँ से फिर शॉर्ट रूट से लेफ्ट टर्न लेके हॉस्पिटल तक जाना था। तो मैंने जैसे ट्रिपर पे लगाया, तो थोड़ा डिस्टेंस आगे जाते ही ट्रिपर ने मुझे पहले बोल दिया कि आप लेफ्ट ले लो, पर मैं सोचा कि मुझे तो 20 किलोमीटर्स मेन रोड से सीधा जाना है, मैं छोटे रास्ते से, मतलब अंदर से किधर से कहाँ से ले जा रहा है, मैंने ट्रिपर की सुनी नहीं, मैं मेन रोड पे लग गया और थोड़ा आगे निकलता गया। तो आगे जाते ही मैं आगे जाके फंस गया, एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लगा था, और अराउंड वो ट्रैफिक जाम में मेरा आधा पौना घंटा गया, और बाद में मेरे ध्यान में आया कि क्यों ट्रिपर मुझे पहले ही बोल रहा था कि आप मेन रोड छोड़ के पहले लेफ्ट ले लो। ये बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं ट्रैफिक में फंसा और थोड़ी हालत बुरी हो गई, क्योंकि मैं इतना पूरा दिन भर ट्रैवल करके आ रहा था और आखिरी का वो आधा एक घंटा मुझे बहुत भारी गया ट्रैफिक का, दिन भर ट्रैवल करना और आखिरी में ट्रैफिक जाम में फंस जाना, वो काफ़ी हेक्टिक गया। तो फिर बाद में मिस्टेक ध्यान में ही, तो मैंने ट्रिपर की सुनी और मेन रोड से लेफ्ट ले लिया। तो ट्रिपर ने मुझे थोड़े छोटे रास्ते से लेके गया, बट विद इन हाफ एन आवर मैंने वो 18-20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, और एग्जैक्ट लोकेशन पे सही सलामत ट्रिपर ने मुझे पहुंचा दिया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मतलब अपन ने जो बाइक ली है, जो फीचर्स के साथ ली है, तो उसका अच्छा यूज़ हो रहा है, इट वाज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर मी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सेटिस्फैक्शन भी लगा। ये ट्रिपर के फीचर के लिए मैं रॉयल एनफील्ड को थैंक्स भी कहना चाहूँगा, मुझे बहुत हेल्प करी। और ट्रिपर का एक थोड़ा ग्लिच है कि थोड़ा डिले है उसमें, जब उसमें 50 मीटर्स पे आ जाए तो समझ लेना आपने
लेफ्ट जो भी टर्न लेना है वो 50 मीटर्स बोले तो टर्न लेना है, वो जीरो तक आने का वेट नहीं करना है, क्योंकि आप आगे निकल जाओगे फिर वो फिर से रूट रीसेटिंग होने में थोड़ा टाइम लेता है। और सेकंड थिंग है उसमें आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग चाहिए, तो वो टाइम टू टाइम रियल टाइम जल्दी जल्दी एडजस्ट होता है। ये थोड़ा ग्लिच है ट्रिपर में, बाकी तो क्वाइट यूज़फुल है फीचर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बेनिफिट किया। और थोड़ा नया फीचर है तो लोगों को थोड़ा उसका अंडरस्टैंडिंग आने का है, तो कुछ कुछ लोगों को दिक्कत जा रही है थोड़ी समझने में, अंडरस्टैंडिंग में। और नेटवर्क के इश्यूज़ के कारण ट्रिपर भी थोड़ा सा कहीं पे डिले वर्क कर रहा है, तो शायद आई होप कि रॉयल एनफील्ड कुछ अपडेट के साथ आ जाए उसमें। फर्स्ट टाइम उन्होंने मेटेर में ट्रिपर नेविगेशन का फीचर दिया है, तो शायद हम आगे चल के उसमें कुछ अपडेट्स और थोड़ा प्रॉम्प्ट डिलीवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो मुझे तो काफ़ी बेनिफिट है, बेनिफिशियल लगा और क्वाइट यूज़फुल फीचर था ट्रिपर का। थैंक यू सो मच।